Assalamu alaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start unit number 10 of grade 5 science, technology in everyday life. Dear students, aapke book par aaj ka hamara next topic jo hai wo mention wo hai spirit level. To students, spirit level kise kehte hain? Ye ek instrument hota hai jo ki hum isliye use karte hain taki dekh saken koi bhi surface jo hai wo horizontal hai ya nahi. Aur student, ye normally jo hai wo kaun kaun se log use karte hain, just like carpenter ho gaya, plumbers ya tile fitters या जो हमारे पास इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, इस जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें एक बबल ट्यूब जो है वो मौजूद होती है जिसमें लिक्विड मौजूद होता है जो कि नॉर्मली कलर्ड स्पिरिट होता है जो कि फिट होता है इनटू द स्पिरिट लेवल के अंदर. पता लगाएंगे कि कारपेंटर्स या प्लम्बर्स जो हैं वो किस तरह से स्पिरिट लेवल को इस्तेमाल करते हैं. स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है कि एक टेबल की सर्फेस पर स्पिरिट लेवल को जो है वो प्लेस करना है. अब आप देखेंगे उस बबल को, क्या वो उस स्पिरिट लेवल के एक साइड पर, उस ट्यूब के एक साइड पे जा रहा है? अगर तो वो बबल एक साइड पर आपको नजर आ रहा है, इट मींस के जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, आप उसकी जो है वो कहीं ना कहीं से हाइट जो है वो ऊपर नीचे है, तो आप क्या करेंगे कि उसको बैलेंस करेंगे उस टेबल को एंड दोबारा से आप स्पिरिट लेवल को उस पर रख के देखेंगे, फिर आप उस बबल की पोजिशन को चेक करेंगे. अगर वो बबल की पोजिशन एग्जैक्ट सेंटर में होगी तो इट मीन्स के जो आपकी सर्फेस है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पर मौजूद है. और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेंशन वो है प्लम्ब लाइन. तो स्टूडेंट, जो प्लम्ब लाइन जो है वो क्या होता है? स्टूडेंट, ये एक स्ट्रिंग होती है और उसके स्ट्रिंग के एक एंड पे जो है वो प्लम्ब बॉब यानी कि एक वेट जो है वो हमने हैंग किया होता है, और इसका जो वेट होता है इसका एक एंड जो होता है वो थोड़ा पॉइंटेड होता है, और जो स्ट्रिंग का दूसरा हिस्सा होता है वो बिल्कुल जो है वो फ्री होता है. तो स्टूडेंट, जब भी आप एक फ्लैग का जो पोल है उसको आप ज़मीन में जो है वो लगाते हैं तो आप उसको देखते हैं कि क्या वो स्ट्रेट हमने लगाया है कि नहीं लगाया. तो स्टूडेंट, उसकी जो है वो स्ट्रेट, इस चीज़ को देखने के लिए हम प्लम्ब लाइन को यूज़ करेंगे. वो किस तरह से कि जो स्ट्रिंग है जिसका जो फ्री एंड है उस स्ट्रिंग का, वो हम अपने हाथ में पकड़ेंगे और उस पोल के पास लेके जाएंगे. आप देखेंगे कि क्या जो वो स्ट्रिंग है वो उस पोल को अटैच कर रहा है या फिर उस पोल से थोड़ा सा अवे है. तो स्टूडेंट, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं डिफरेंट जो वर्टिकल थिंग्स होती हैं उनके स्मूथनेस और उनके सीधे होने के बारे में कि क्या वो स्ट्रेट हैं या थोड़ी सी टेढ़ी हैं, और प्लम्ब लाइन इसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो टीचर्स, आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन ये है कि आप स्पिरिट लेवल और प्लम्ब लाइन की जो डेली लाइफ में हमारी यूज है उसको आप स्टूडेंट्स को जो है वो क्लासरूम में एक्सप्लेन करेंगे. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा. इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.